बरेली दबंग प्रधानपति ने दलित परिवार को घर में घुसकर मारा। दलित परिवार की पुत्र वधु गर्भवती महिला को भी नहीं बख्शा, जान से मार देने की नीयत से लगा दी घर में आग। पहले से भी चल रहा है दलित परिवार व प्रधान के एनएन बीच सुप्रीम कोर्ट एसटी एक्ट का मामला। जाति सूचक शब्दों का प्रयोग कर करते रहते हैं बेइज्जती। कई वर्षों से दोनों परिवारों में जातीय भेदभाव के चलते चली आ रही है रंजिश। प्रधानपति को फूटी आंख भी नहीं सुहाता यह दलित परिवार। जानकारी के अनुसार थाना कैंट लाल फाटक के पास स्थित गांव बारी नगला निवासी मनोज पुत्र भगवान दास एक पढ़ा लिखा अखबार नफीस व्यक्ति है, जो शाहजहांपुर के किसी न्यूज पोर्टल में कार्यरत बताया जाता। आरोप है कि उसके गांव में आने वाला सफाई कर्मचारी प्रधानपति को हर महीने 3,000 कहता है। इसके एवज में वे सफाई का कार्य करने गाँव नहीं आता। आज सवेरे जब इस विषय में मनोज ने उक्त सफाई कर्मचारी से बात की तो वे बुरा मान गया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम दलबीर सिंह है। अभी आपका पिछले दिनों ऑपरेशन हुआ था? करीब 2-3 महीने ऑपरेशन हुआ है मेरा। कहाँ पे हुआ था? पीजीआई हुआ था लखनऊ, इधर का हुआ था ऑपरेशन यहाँ पे। अच्छा, दिखाइए कहाँ चोट आई आपको। यहाँ पे भी चोट आई, यहाँ पे भी मतलब उन्होंने काफी डंडे मारे थे और मतलब हाथों घुसे थे किया था, और पीछे भी चोट आई। आप मनोज के छोटे भाई हैं? हाँ जी, मनोज का छोटा भाई। ये पूरा बदन मेरा दर्द कर रहा है अभी भी। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम मनोज कुमार। अच्छा, मेरा नाम बारी निगला में रहता हूँ। जी जी। और जो ये घटना विपक्षी पार्टी है, लालकृष्ण पटेल पति प्रधान हैं। जी जी, जी। ये दबंग व्यक्ति के एकदम व्यक्ति हैं। जी। और ये गांव में हमारे सब लोगों को धरपा धमकाते रहते हैं। जी। और ये मेरा मामला, इनने 2 बीघा जमीन इनने दबा रखी, ग्राम सभा जमीन। अच्छा जी। उसको मैंने उस पे छुड़वाने की वजह से FIR दी थी, तो उसी वजह से ये रंजिश मारने लगे मेरे साथ। जी, उसी जी, समय से काफी समय से। आज क्या घटना घटित हुई? आज घटना ये हुई कि जो ग्राम जो सफाई कर्मचारी जो आया हुआ था, आए हुए थे, तो मैंने उनसे पूछा ड्यूटी विषय के बारे में। नहीं, आप भाई आप कौन है? अच्छा, आपके गांव में जो सफाई कर्मचारी आता है, आपका कहना ये है कि वह 3,000 रुपए महीना देता है? जी सर, वो जो सफाई कर्मचारी है 3,000 रुपए महीना देते हैं प्रधान जी को, इसलिए मैं घर पे बैठा रहूं और काम ना करना पड़े। काम ना करना पड़े। चूंकि आप पत्रकार हो जी, इसलिए आपने इस विषय में जानकारी ले ली। जी जी, मैं नहीं चाहता कि जो गवर्नमेंट पैसा दे रही है जो सरकारी तौर पे, तो मैं नहीं चाहता वो पैसा वेस्ट जाए। जी जी, मैं ये चाहता हूँ जो गरीब नौकरी आदमी क्यों लेता है, लेता है कि गरीब आदमी हो। इधर मैंने इसी बात को ऑब्जेक्शन उठाया, तो फिर उसने घर पे पहुंचा मेरे, फिर बोला तू कौन होता है, वीडियो तूने क्यों बनाई है। मैंने कहा भाई साहब मैं ऑब्जेक्शन उठाऊंगा भाई। ये आप लोगों को विपक्षियों ने घर में घुस के मारा? जी जी। कौन कौन थे? वही लालकृष्ण पटेल था, उसके भतीजे थे, और उसके भतीजे का नाम था अमित और रविंदर श्री कृष्ण। किस किस को मारा? मेरी वाइफ को मारा, मेरे को मारा है, मेरे बस गर्दन दबा दी यहाँ पे। तो ये पत्नी आपकी प्रेग्नेंट है? पत्नी मेरी प्रेग्नेंट है, इनको भी मारा है। अच्छा, पेट में चोट लगी है, मेरे पिताजी का सर फाड़ दिया है, यहाँ से कान में भी है, मुँह से नाक से ब्लड आ रहा है। और समय में कोई भी मतलब कोई कार्रवाई करने के लिए कोई संबंधित थाना पुलिस ने कोई कार्रवाई की? थाना पुलिस में मैं गया था, थाना पुलिस में तो वो कर रहे हैं कि मेरी पत्नी से बोले इंस्पेक्टर साहब, नहीं कौन थे वो साहब जो भी दुर्गा जी थे, उन्होंने कहा चलो यहाँ से निकलो, नहीं होगा जो कुछ होगा। फिर उसके बाद में फिर मैंने अपने स्टूडियो फोन किया था, अपने ग्रुप में डाला, कोई सुनवाई नहीं हुई आपकी? जी, तो मैंने ग्रुप में डाला, आप सब लोग भाइयों का सहयोग मिला, तभी जाके FIR हुई है, मेडिकल हुआ मेरा, वरना मेडिकल भी नहीं होता। माननीय श्री सांसद जी के यहाँ से फोन भी पहुँचा होगा। बताओ बेटा, आप क्या दिक्कत हो गई थी, आपको भी मारा? हाँ जी सर, जब हमारे पति और ससुर सभी को मार रहे थे तो हम बचाने गए थे, तो हमें भी लात और घूसों से बहुत मारा है, और गंदी गंदी गालियां दे रहे कि चमा रहे, जे तुझे लिटा के ये करूंगा, जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करते हैं। हाँ जी सर। आपके आंतरिक चोटें आई हैं? जी सर, मैं 5 महीने की प्रेग्नेंट हूँ, जो मेरे पेट में। जी 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 जी, और काफी पीछे भी चोट आई है।